बच्चों आज हम पढ़ेंगे द सेवियर। द सेवियर, सेवियर मीन्स बचाने वाला, रक्षा करने वाला। आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें कोई दूसरे को बचाता है। आपने ऐसी भी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें एक पक्षी एक चींटी को बचाती है पत्ता देकर। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, एक मारने वाला तो दूसरा बचाने वाला। आज हम बचाने वाला मतलब रक्षा करने वाला एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे। ये लड़की इन छोटे छोटे पक्षियों को दाना डालती है, उनको बचाती है, उनकी केयर करती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, चैप्टर 3 द सेवियर। पर पहले हमको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। पहला क्वेश्चन है, डू यू लव बर्ड्स? क्या आप पशु पक्षियों से प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो? हाँ, हम सब करते हैं। डू यू फीड देम? क्या आप उनके लिए दाना डालते हो अपनी छत पर? इफ यस, हाउ ऑफन? अगर आप डालते हो तो कब कब डालते हो? हाउ डू यू केयर फॉर देम? आप उनके लिए कैसे केयर करते हो? तो आप ये सब अच्छे से बताना। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये हमारे वर्ड मीनिंग है ये पढ़ने पड़ेंगे। सेवियर मीन्स प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला, मैंने आपको बताया है। ब्लूमिंग, फ्लावरिंग। ब्लूमिंग का मतलब है खिलखिलाते हुए, फ्लटरिंग वेविंग क्विकली फड़फड़ाते हुए, क्रिपिंग, क्रिपिंग तो साउंड होता है बर्ड्स का, स्विंग, स्विंग या मूविंग चहक चकाते हुए हिलते हुए, ब्रीज को ठंडी हवा बोलते हैं, क्रिएचर कोई भी जीव जंतु होता है, वाउंड इंजरी होती है चोट लग जाती है, हंटेड शिकार करना, हीलिंग घाव भरना, थ्रोन एक सिंहासन होता है राजा के बैठने का, और शफोल्ड होता है कि किसी भी तरह से घसीटते हुए फड़फड़ाते हुए पैर को चलना। तो अब द सेवियर हमारा चैप्टर है, इसको हम सबसे पहले पेज नंबर 12 पर रीडिंग सेक्शन को देखेंगे। ये कहानी प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में है जो कि अपनी एक छोटी सी कहानी बताते हैं। शुरू करते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। सिद्धार्थ राजा अपने ही महल के गार्डन में, बगीचे में घूम रहे थे। पैलेस का मतलब है महल। ही वाज प्लीज्ड टू सी द फ्लावर्स ब्लूमिंग। प्लीज्ड का मतलब है खुश होना। वह बहुत खुश था अपने फूलों को देखकर जो कि महक रहे थे, खिलखिला रहे थे। बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स। मधुमक्खियाँ अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी। द गार्डन ट्रीज स्विंग इन कूल ब्रीज। और जो गार्डन के पेड़ थे, बगीचे के पेड़ थे, वो भी झूल रहे थे कूल ब्रीज में, ठंडी हवा में। एंड बर्ड्स क्रीपिंग। और बर्ड्स भी चहचहा रहे थे। तो पूरी तरीके से एक अच्छा खुशी वाला माहौल था। सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। तभी एक स्वान वहाँ पर गिर जाता है। फेल का मतलब गिरना, फ्रंट का मतलब सामने, तो सडनली का मतलब अचानक से। अचानक से उनके सामने एक स्वान गिर जाता है। इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स बट। उसने अपने पंख फड़फड़ाए लेकिन अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन। ओवरकम मतलब अपने दर्द को छुपा नहीं पाया वो, उसको बहुत दर्द हो रहा था। इट ले स्टिल और वह लेट गया। सिद्धार्थ वाज मूव्ड विद पिटी। मूव्ड विद पिटी का मतलब है वह दया की भावना से आगे बढ़ा। ही रैन टू द पुअर क्रिएचर। वह रैन का मतलब होता है यहाँ चला, रन की सेकेंड फॉर्म है। पुअर क्रिएचर मतलब उस प्राणी की तरफ वह आगे दौड़ा। इट वॉज हिट बाई एन एरो।
वह श्वान किसी तीर का शिकार हो गया था, उसको तीर लगा था। देयर वॉज ब्लड इन हिज विंग्स, और उसके पंखों पर खून लगा हुआ था। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स वाउंड। सिद्धार्थ ने टुक आउट का मतलब होता है तीर को निकालना, वेरी जेंटली का मतलब बड़े आराम से, क्लीन्ड इट्स वाउंड का मतलब होता है घाव की सफाई करना। तो सिद्धार्थ दयालु था, उसने उसकी विंग्स पर जो तीर लगा था उसको निकाला और उसके घाव को साफ किया। अगले पेज पर देखते हैं, ऐसा कुछ हमारा पेज 13 है और इसमें लिखा है, इट वॉज माई स्वान, आई हैव हंटेड इट डाउन। तो एक लड़का आता है, वो कहता है, अरे ये मेरा स्वान है, मैंने इसको हिट किया है, मैंने इसको मारा है। मतलब अगर शिकारी किसी चीज़ का शिकार कर ले तो वो शिकार उसी का हो जाता है। मतलब इस लड़के ने इस स्वान को मारा है तो ये स्वान इसका हो गया। इट वॉज देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ कज़न, और वह लड़का सिद्धार्थ राजा का भाई था, उसका नाम था देवदत्त। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें लेफ्ट की तरफ देवदत्त है और राइट की तरफ बैठा हुआ सिद्धार्थ है। ही डिमांडेड हिज हंट, और उसने डिमांड की, मतलब उसने आज्ञा दी कि भाई अब हमको ये हमारा शिकार दे दो। डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना। नो माई ब्रदर, इट इज़ माई स्वान, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ। नहीं भाई, ये मेरा स्वान है, मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई है। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स, आपको एनिमल्स पर दया रखनी चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। तो इस तरीके से देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में बातचीत होती है। वो एक स्वान को लेकर आपस में कहते हैं कि ये मेरा है, तो दूसरा कहता है ये मेरा है। अब आगे लिखा है, ब्रदर इफ आई डोंट गेट माई हंट आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, देवदत्त सेड एंग्रीली। भाई इफ आई डोंट गेट माई हंट, अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला, आई शैल गो, मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। सेड एंग्रीली, एंग्रीली का मतलब गुस्से से कहा उसने कि मैं राजा के दरबार में चला जाऊंगा। आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं इसको नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज, आप जो करना चाहते हो उसको कीजिए। सेड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने कहा आपको जो करना है कर लीजिए, मैं ये स्वान नहीं दूंगा। ही टुक केयर ऑफ द स्वान, इट्स वाउंड स्टार्टेड हीलिंग, उसने अच्छी केयर की। टुक केयर का मतलब अच्छी देखभाल करना, स्टार्टेड हीलिंग का मतलब है घाव ठीक होना, और उसका घाव ठीक हो रहा था। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वाज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट, से फिर सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया गया। किंग शुद्ध धना सेट ऑन हिज थ्रोन, शुद्ध धना महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, प्रेजेंटेड का मतलब होता है उसके सामने आया, उस केस को सामने रखा, उस केस के बारे में बताया गया। कौन सा केस बच्चों? हाँ, स्वान का हक किस पर है, ये वाला केस। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम्स, प्लीड का मतलब है अपना रखना, पक्ष रखना, क्लेम्स का मतलब है जो उनकी मांग है। शिवदत्त, देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों राजा जो थे, राजकुमार जो थे, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। द हेयरिंग वेंट ऑन, हेयरिंग का मतलब होता है हियर, सुनना, हेयरिंग सुनाई। अब उनकी जो सुनवाई थी वो चलती रही। द किंग सेड लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट, फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई अब स्वान को लेकर आओ कोर्ट में। अब देखो कैसे एक एनिमल कोर्ट में आता है। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, अब स्वान को
कोर्ट में लेकर आया जाता है और बाकी सब उस कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब हमने पेज नंबर 13 को पढ़ लिया है। अब आगे है, इट वॉज शफल्ड टुवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ, और वो शफल करना मतलब प्रिंस सिद्धार्थ की तरफ चलना, धीरे धीरे पैर को खींचते हुए घसीटते हुए, शफल का मतलब घसीटना, आगे बढ़ता है। एंड हाई हेड अंडर हिज सीट, और उन्होंने देखा कि स्वान जो है सिद्धार्थ के पीछे वाली सीट पर, उसकी सीट पर जाके छिप गया। किंग शुद्धधना गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली, जजमेंट का मतलब होता है अपना निर्णय, इमीडिएटली का मतलब होता है तभी तुरंत। द सेवियर हैज़ द ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, और ये आप देख सकते हो ये लाइन, द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, बचाने वाले का हक मारने वाले से ज़्यादा होता है। थस द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ के पास वह स्वान चला गया, उसका क्लेम भी चला गया। इट इज़ ऑल्सो प्रूवन बाई द स्वान्स विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ केयर प्रोवाइडेड बाई सिद्धार्थ, प्रूवन का मतलब होता है, प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध हो जाना, कि स्वान की इच्छा भी सिद्धार्थ के पास में रहने को ही थी क्योंकि उसने उसकी केयर की थी। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स, और राजा ने कहा कि देवदत्त आपको भी एनिमल्स के, पशु पक्षियों के तरफ अपनी दयालुता दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट, और जो भी निर्णय हुआ उसका सभी ने सम्मान किया, प्रशंसा की। तो आप सभी को भी एनिमल्स और बर्ड्स की केयर करनी चाहिए। थैंक यू।